सो हाई एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो आप लोगों ने यूट्यूब पर चैनल बनाया होगा तो आप YT स्टूडियो के बारे में जानते ही होंगे, जिसका यूज होता है यूट्यूब चैनल को हैंडल करने के लिए। तो YT स्टूडियो का जो इंटरफेस है गाइस, वो पहले कुछ अलग हुआ करता था, फिर उसके बाद YT स्टूडियो पर अपडेट आने के बाद YT स्टूडियो का जो इंटरफेस है वो चेंज कर दिया गया। उसके बाद अभी अभी YT स्टूडियो पर और भी एक अपडेट आया था, और उसके बाद YT स्टूडियो के अंदर में जितने कुछ भी फीचर्स है उनको YT स्टूडियो ने अपडेट कर न्यू फीचर्स को यहाँ पर ऐड कर दिया गया। तो कौन से वो फीचर्स आए गाइस, और YT स्टूडियो कैसा काम करता है, हम YT स्टूडियो से हमारे यूट्यूब चैनल को कैसे हैंडल कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बगल हमारा मोबाइल स्क्रीन अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं YT स्टूडियो के अंदर में आने के बाद इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जो कि हमारे YT स्टूडियो का होम स्क्रीन है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं हमारा चैनल का लोगो नेम दिखाई देगा। उसके बाद उसके नीचे में हमें हमारे सब्सक्राइबर्स दिखाई देंगे, जिसको कि मैंने हाइड करके रखा हूँ। गाइस, हम यहाँ पर नीचे में आएंगे तो हमारा यूट्यूब चैनल का एनालिटिक्स दिखाई देगा, जो कि 28 दिन का है। तो यहाँ पर 28 दिन के अंदर हमारे यूट्यूब चैनल पर कितने व्यूज आए हैं, कितना वॉच टाइम आया है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और वॉच टाइम हमें यहाँ पर हमें हवर्स पर दिखाई देगा। उसके बाद हमारे सब्सक्राइबर कितने चेंज हुए यूट्यूब चैनल पर 28 दिन के अंदर, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद हम जैसे नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमारा लास्ट वीडियो परफॉर्मेंस, यानी कि हमने लास्ट जो वीडियो अपलोड किया था रिसेंटली, वो यहाँ पर हमें वीडियो अपलोड दिखाई देगा। उसके बाद हम जैसे ही व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो इस वीडियो को एडिट करने का ऑप्शन चले आएगा, और उसका ये वीडियो कितने रैंकिंग पर चले गया है वो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। तो यहाँ पर 5 of 10 है, तो हमें वीडियो यहाँ पर 1 of 10 होना चाहिए, क्योंकि 1 of 10 होने के बाद हमारा वीडियो बेस्ट रैंकिंग में चले जाता है। और इम्प्रेशन थ्रू क्लिक रेट एवरेज व्यू ड्यूरेक्शन यहाँ पर डाउन है, तो ये ऊपर होना चाहिए। और व्यू रेट इम्प्रेशन थ्रू क्लिक रेट एवरेज व्यू ड्यूरेशन ये ऊपर के साइड में होना चाहिए, और यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ होना चाहिए, तभी हमारा वीडियो यहाँ पर अच्छे से काम कर रहा है, और यहाँ पर हम जान सकते हैं। उसके बाद हम नीचे में आएंगे तो यहाँ पर हमें हमारे सारे कंटेंट्स यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो कंटेंट्स में उसके बाद फ्रेंड्स, हम जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पर कंटेंट्स में चले जाएंगे, और कंटेंट्स में हमने जितने भी वीडियोस यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए वो यहाँ पर आपको सारे दिखाई देंगे। नीचे में आते हैं तो हमारे यहाँ पर लास्ट कमेंट, दो कमेंट हमें लास्ट के यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद नीचे में हमें ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि यूट्यूब चैनल पर नीचे में ऐड हुआ करते हैं वैसे ही ऑप्शन YT स्टूडियो पर पहले ऐड नहीं हुआ करते थे, तो YT स्टूडियो पर अपडेट आने के बाद ये ऑप्शन को ऐड कर दिया गया है। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं कंटेंट्स पर। कंटेंट्स पर जाने के बाद फ्रेंड्स, हमने यूट्यूब पर जितना कुछ भी कंटेंट अपलोड किया था वो यहाँ पर हमें दिखाई देगा। गाइस, हम यहाँ पर जैसे ही कंटेंट्स पर क्लिक करते हैं तो ऊपर में देख सकते हैं हमें 3 ऑप्शन दिखेंगे, वीडियो, लाइव और शॉर्ट्स का। तो हम अभी चले गए हैं वीडियोस पर। वीडियोस पर जाने के बाद फ्रेंड्स, हमने जितना कुछ भी वीडियोस यहाँ पर अपलोड किया है वो सारे वीडियोस यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। उसके बाद हम लाइव पर क्लिक करेंगे तो जितना कुछ भी हमने यूट्यूब चैनल पर लाइव किया है वो पर लाइव पर दिखाई देगा। और शॉर्ट्स पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमने यूट्यूब चैनल पर जितना कुछ भी शॉर्ट्स वीडियो अपलोड किया है वो यहाँ पर हमें सारे शॉर्ट्स वीडियो यहाँ पर दिखाई देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, नीचे में थर्ड नंबर पर एक ऑप्शन मिलता है एनालिटिक्स का, तो ये हमारे यूट्यूब चैनल का मेन ऑप्शन है। तो हम जैसे एनालिटिक्स पर क्लिक करेंगे के बाद फ्रेंड्स, हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट 28 दिन के अंदर में हमारे चैनल पर कितने व्यूज आए वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। हमारे चैनल पर 5488 व्यूज आए हैं। उसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं हमारे व्यूज का यहाँ पर ग्राफ्स दिखाई देगा, जो कि 28 दिन के अंदर आया हुआ ग्राफ्स है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको टॉप वीडियो दिखाई देंगे, टॉप 5 वीडियोस दिखाई देंगे, जो कि 28 डेज के अंदर रैंकिंग में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना व्यूज आया है, कितना नहीं, और यहाँ पर आप चेक करके इसी तरह का वीडियोस आप आपके चैनल पर बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम नीचे में आएंगे तो लास्ट 48 आवर के अंदर कितना रियल टाइम व्यूज आया है और यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो 608 हमारे चैनल पर आया है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको 5 वीडियो दिखाई देंगे, जो कि अभी रैंकिंग पर है, 48 आवर्स के अंदर रैंकिंग पर है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम बगल में ऊपर में एक ऑप्शन मिलता है रीच का, रीच पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीच पर क्लिक करने के बाद यूट्यूब ने हमारे वीडियोस को कितने लोगों तक अभी तक पहुंचाया है और यहाँ पर आपको सारा दिखाई देगा। तो 67,002 लोगों के पास यूट्यूब ने हमारे वीडियो को भेजा है। तो यहाँ पर हमें ग्राफ में भी दिखाई देगा और डिजिट में भी दिखाई देगा। उसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं हमारे वीडियो पर कहाँ से व्यू जा रहे हैं, वो यहाँ पर आपको ट्रैफिक सोर्स पर दिखाई देगा। तो यूट्यूब सजेशन से हमारे वीडियोज़ पर सबसे ज़्यादा व्यू जा रहा है, और यूट्यूब सर्च से उससे कम आ रहा है, और ब्राउज फीचर अदर फीचर से भी व्यूज आ रहा है। तो यहाँ पर आपको कहाँ से व्यू जा रहा है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद टॉप एक्सटर्नल सोर्स से दिखाई देंगे, हमारे वीडियो पर कौन से सोर्सेस है जहाँ से हमारे वीडियोस पर व्यू जाते हैं। तो तो यहाँ पर व्हाट्सअप और गूगल यहाँ पर है। तो 28 दिन के अंदर व्हाट्सअप से 23.5% आया है और गूगल से 5.9% आया है। उसके बाद फ्रेंड्स,
यहाँ पर हमें मेन फंडा है रिच पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूट्यूब टॉप सर्च आइटम्स, तो यूट्यूब पर किस तरह का कीवर्ड सर्च होता है और किस तरह का कीवर्ड्स को सर्च करके आपके व्यूवर यूट्यूब पर आपके वीडियोस को देखते हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पांच कीवर्ड्स यहाँ पर ओनली शो करेंगे, तो जिनके ऊपर आप रिसेंटली आने वाले वीडियोस में आप वीडियोस बना सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स टॉप फाइव हमें यहाँ पर वीडियोस दिखाई देंगे जो कि सजेशन पर जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे फाइव वीडियोस है जो कि बड़े क्रिएटर के सजेशन में जा रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स नीचे में आएंगे तो यहाँ पर इनोट्रॉपिक सपोर्ट, तो यहाँ पर आपको 28 दिन के अंदर और भी कोई ट्रॉफिक सोर्स आता है तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो हमारे यहाँ कोई आया नहीं है इसलिए यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देगा। उसके बाद ऊपर में हम एंगेजमेंट पे क्लिक करते हैं, तो एंगेजमेंट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जितना कुछ हमें हमारे वीडियोस पर एंगेजमेंट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमारे वीडियो पर ऑडियंस कितने टाइम तक रुके हैं वो यहाँ पर आपको परसेंटेज पर दिखाई देंगे। बाद में आता है ऑडियंस, तो हम जैसे ऑडियंस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स तो हमारा रिटर्निंग व्यूअर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप ग्राफ भी देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स वेन यूअर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, तो आपका व्यूअर कितने टाइम पर यूट्यूब पर अवेलेबल होता है गाइस वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 28 दिन के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और नीचे में आपको एक ऑप्शन दिखेगा एज का, तो ये यहाँ पर मेन फंडा है। तो आपके वीडियोस को कितने एज के लोग देखना पसंद करते हैं, सबसे ज़्यादा आपके वीडियोस को कितने एज के लोग देखते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो 18 से 24 ईयर एज के जो व्यूवर्स है वो हमारे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं, और सेकंड नंबर पर 34 ईयर एज के जो व्यूवर्स है वो हमारे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। देन गाइस यहाँ पर आप नीचे में देखोगे तो यहाँ पर जेंडर पर चले जाते हैं, तो जेंडर पर आने के बाद फ्रेंड्स मेल लोग कितने देखते हैं और फीमेल व्यूवर्स कितने देखते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद टॉप सजेशन पर चले जाते हैं, उसके बाद हम नीचे चले जाते हैं और यहाँ पर टॉप जो ग्राफिक्स पर चले जाते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इंडिया से कितने व्यूज आए हैं और पाकिस्तान से कितने व्यूज आए वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। हमारे वीडियो पर सबसे ज़्यादा व्यूज इंडिया से ही आए हैं। देन गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉच टाइम फॉर सब्सक्राइबर्स, तो आपके सब्सक्राइबर्स ने कितना देखा है वो आपका आपको दिखाई देगा। तो हमारे सब्सक्राइबर्स ने कम देखा है और नो सब्सक्राइबर, तो हमारे जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों ने हमारे वीडियो को ज़्यादा दिखा है, तो यहाँ पर भी आपको परसेंट दिखाई देगा और नीचे में आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। देन फ्रेंड्स नीचे में हम चलते हैं तो इसके बगल में हमें हमारे वीडियो का कमेंट दिखाई देगा, तो हम जैसे ही कमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर हमें जितने भी लोगों ने हमें कमेंट किया है वो सारे कमेंट्स यहाँ पर हमें दिखाई देंगे। तो गाइस आपको यहाँ पर क्या करना होता है कि यहाँ पर लाइक और यहाँ से आपको इस हार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है, तो आपका जो व्यूवर है गाइस वो यहाँ पर आप जैसे उनके कमेंट का रिप्लाई देंगे यहाँ से तो आपका व्यूवर यहाँ से खुश हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ से कमेंट का रिप्लाई भी देना है। लेकिन उसके बाद नीचे में हम चले जाते हैं तो यहाँ पर प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन मिलता है, तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद हमने जितना भी प्लेलिस्ट यहाँ पर बनाया है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। तो हमने एक ही प्लेलिस्ट बनाया था तो हमें एक ही प्लेलिस्ट यहाँ पर दिखाई देगा। तो गाइस आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए होंगे कि वाईटी स्टूडियो कैसे काम करता है और वाईटी स्टूडियो का इंटरफेस कैसा है। तो आपको इस वीडियो से जरा सा भी नॉलेज मिला हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ में ही आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो मिलते फ्रेंड्स कुछ यूट्यूब रिलेटेड इंटरेस्टिंग सा नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।